मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पर खड़ा होकर पंजाब के चयालों के दरमियान आज मौजूद हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतवी मुहिम चला रहा हूँ मैं आप सबका शक्र गुजार हूँ सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ इस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं साथियों पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल का सामना है एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है गुरबत बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे माशरे में एक बोहरान पैदा हुआ है ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं इससे पूरे माशरे तकसीम हो चुका है भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है हमने ये फैसला किया है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए और हमने हमने इस नफरत की सियासत को इस तकसीम की सियासत को इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा आवाम मुश्किल में है किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता मेरे नौजवान भाई मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा मुश्किल है गुजारा मुश्किल है और तमाम सियासी जमाते का एहसास ही नहीं है फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं बाकी सियासी जमाते अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कायद अवाम शहीद अली सुलफिकार्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है शहीद मोहतरमा ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूँ ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैंने आपके मिसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई गुरबत और बेरोजगारी है तो मैंने कायद के नजरिया के मुताबिक ये दस नकाटी एजेंडा अपने हाथों से लिखा है ये अवमी मुआशी, माह मेरा और पाकिस्तान के आवाम के दरमियान एक वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इनशा ताला इन तमाम दस नजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे महंगाई का मुकाबला करेंगे जो चौथी बार चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है मैं आपको बताता हूं इसलिए आपने तो तीन दफा भुगता है तभी तो तक हमें पता है कि क्या होता है जब शेर का हुकूमत बनता है तो आवाम का खून चूसा जाता है जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है हम हम आपकी खिदमत करने वाले हैं हम इन शाह हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है ये सुने मेरा एजेंडा को मेरा दस नुकात को आपने घर घर ना है आपने सूबे के आवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पे थप्पा लगाना जरूरी है मेरा पहला वादा है कि इन ताला हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुख नहीं करेंगे आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है अगर ना में जवाब मिला तो बताए कि बिलावल फोटो सरदारी वजीर आजम बनेगा तो वादा किया है कि दुख नहीं करेंगे हम आपकी आमदनी को हमारा दूसरा वादा जो हर कोई नकल कर रहा है आजकल मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है और उनका तो अकल ही नहीं है मेरा दूसरा वादा कि मैं ताला इस मुल्क के गरीब अब को जिनका जरूरत है जिनका हक है उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा तीसरा वादा कि कायदे आवाम ने पांच मरहला स्कीम दिया याद है आपको पांच मरहला स्कीम कायदे आवाम ने शुरू किया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सात मरहला स्कीम शुरू किया मैं सुबह सिंध में 20 लाख पक्का घर बना रहा हूं और उस उन घर के मालिकाना हकूक मैं वहां के खवातीन को दे रहा हूं तो मेरा जो तीसरा वादा है कि मैं मुल्क भर में तीस लाख घर बनाना चाहता हूं और उस घर के उन घर के मालिकाना का उस वाह के खातिन को दूंगा इन शाह साथ साथ आप हर हर कच्ची आबादी में हर कच्ची आबादी में मेरा पैगाम जरूर पहुंचाए उनको बताए कि मेरा हुकूमत बनता है तो मेरा वादा है कि उनका कच्चे आबादी को रेगुलराइज करके कच्ची आबादी में रहने वालों को भी हम मालिकाना हकूक दिलवाएंगे हम हाँ, आपको मालूम है कि पिछली बार हुकूमत में थे तो हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का इनकलाबी मनसूबा शुरू किया था जिसकी वजह से आज तक इस मुल्क के कोने कोने में हमारे गरीब ख़वातीन को माली मदद मिल रही है अब गुरबत का मुकाबला करने के लिए हमने ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है मगर उन्हीं ख़वातीन को इन शाह मैं बुला बिलासूद कर्जा दिलवाऊंगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके वो अपना घर का ख्याल रख सके और अपना किरदार हमारा मीशत में अदा कर सके मैं आप मेरे पैगाम मेरे पंजाब के किसानों को तक पहुंचाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो समझती है कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल अब मैं चाहता हूं कि हम अपने किसानों के जेब में माली मदद पहुंचाए रिलीफ अगर देनी है तो छोटे किसान को हम रिलीफ दिलवाएंगे तरीके कार ये बनाया इन शाह तला हमारा बेनजीर किसान कार्ड होगा और हम तमाम किसानों को ये कार्ड पहुंचाएंगे और फिर इस कार्ड के थ्रू हमारा कोशिश होगा हम इन ताला इंश्योर करेंगे कि हमारे किसानों को फसल की कीमत मिले हम इस कार्ड के थ्रू इन ताला अगर हमें खाद पे फर्टिलाइजर पे हुकूमत व फाकी तो अरबों रुपया जो है वो सब्सिडी की सूरत में फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं मैंने ये फैसला किया कि हम फर्टिलाइजर कंपनीज को नहीं उनके अरबों रुपया बंद करके सीधा अपने किसानों के जेब में ये पैसा दिलवाएंगे हम अपना किसान कार्ड के थ्रू इन शाह हमारा किसान कभी कोई सैलाब की वजह से तो फिर सख्त गर्मी की वजह से मौसमी तब्दीली की वजह से उनका फसल को नुकसान होता है तो हमने फैसला किया कि इस कार्ड के थ्रू इन की इंश्योरेंस शुरू करवाएंगे ताकि अगर ये इंश्योरेंस आपके फसलों का इंश्योरेंस होगा तो अगर कुदरती आफत आए अगर सैलाब आए तो नुकसान हम उठाए मेरे किसानों को ना उठाना पड़े जब पिछली पीपी का हुकूमत था तो जब हम हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान बाहर से अंदर मंगवाता था पाकिस्तान जो जरा मुल्क है बाहर से चीनी मंगवाते थे पाकिस्तान जो जरा मुल्क है बाहर से चावल मंगवाते थे ये जब सदर सरदारी का हुकूमत बना तो हालात ये थे एक साल के अंदर ही अंदर सदर जरदारी ने फैसला किया कि मैं यूक्रेन के किसानों के बजाय रूस के किसानों के बजाय पैसा देना मैं अपने किसानों को वही रेट दिलवाऊंगा जो उनका मिलता है तो एक साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान कंडम इम्पोर्ट नहीं हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे एक साल के अंदर ही अंदर हम चीनी इम्पोर्ट नहीं हम एक्सपोर्ट कर रहे थे सदर जरदारी ने ये काम पहले भी किया इन ताला हम हकूमत बनाएंगे तो हमारा किसान खुशहाल होगा हमारा किसान तरक्की करेगा जरा जरा मीशत अगर तरक्की करेगा तो फिर हमारा मुल्क मीशत तरक्की कर सकता हमने रुकना नहीं हमने अपने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने किसानों के लिए बेनजीर किसान कार्ड तो फिर अपने मजदूरों के लिए भी जिनको कायद अवाम ने हक दिलवाया था जिनको कायद अवाम ने आवाज दिलवाया था उनके लिए भी मैं उनको उनको ये उनको मेहनत का सिला दिलवाना चाह रहा हूं और उसके लिए हमने ये बेनज़ीर मज़दूर कार का कॉन्सेप्ट का बनाया है और बेनजीर मज़दूर कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि वो मज़दूर को हम माली मदद पहुँचाएँ हम उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ दें चाहे वो सोशल सिक्योरिटी का फैसिलिटी हो पेंशन का फैसिलिटी हो बच्चों की तालीम का मसला हो बुजुर्गों को या अपना का इलाज का मसला हो वो तमाम जिम्मेदारियां हम उठाएं बेनजीर मज़दूर कार्ड के थ्रू वो पूरा करें चाहे वो मज़दूर किसी सनत में काम करें चाहे वो मज़दूर किसी का घर पे काम करे चाहे वो मज़दूर किसी दुकान पे काम करें उनका हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले ताकि इनके तमाम मसले की जिम्मेदारी, तमाम परेशानी की ज़िम्मेदारी हुकूमत उठाए हम उठाए उनका सिर्फ अगर फिक्र हो तो अपना मजदूरी का फिक्र हो अपने काम करने का फिक्र हो बाकी जो परेशानियाँ हैं उनकी ज़िम्मेदारी इन शाह तला में और भी हमने करना है काम। आपने मेरे नौजवान भाइयों मेरे नौजवान बहनों को समझाना है कि वोट आपकी ताकत है ये वोट का हक कायदे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको दिलवाया था अब फैसला आपके हाथ में है क्या आप उसी शख्स को कहीं और अपना वोट जाया करके आप चाहते हो कि उसी शख्स को एक बार फिर इस मुल्क में मसलत किया जाए चौथी दफा मसलत किया जाए या अब ना सिर्फ इसका रास्ता रोक सकते हैं ना सिर्फ इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं मगर आप अपने लिए एक ऐसा मंसूबा जैसे बेनजी यूथ कार ताला जो मैं शुरू करने जा रहा हूं इसके थ्रू हम अपने नौजवानों को माली मदद भी पहुंचाएंगे खास तौर पे मैं उन नौजवानों से मुखातिब हूं जो दो दो डिग्रिया हाथ में लेकर फिर रहे हैं मगर रोजगार का मौका नहीं मिल रहा उनके लिए हमने ये बेनजीर यूथ कार्ड की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि जो नौजवान मेरे रोजगार की तलाश में हैं रोजगार की तलाश में है जब तक उनको रोजगार ना मिले तो हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू कोई माली मदद पहुंचाए ताकि उनका गुजारा हो जब तक उनका रोजगार उनको ना मिले हम साथ साथ ये बाकी मैं भूख मिटाओ प्रोग्राम भी करना चाह रहा हूं यूनि सता लेवल पर इसलिए कायदे शहीदुलफिकार अली भुट्टो का ख्वाब था कि इस मुल्क का कोई बच्चा भूखा ना सोए इस मुल्क का कोई शहरी भूखा ना सो, ना सोए तो इन शाह तला भूख का मुकाबला करने के लिए हम भूख मिटाओ प्रोग्राम यूनियन काउंसिल की सतह पर शुरू करेंगे बाकी दो जो मेरे बाद, एक सेहत के शोबे में मैंने कम अरसे में इतना देर से सियासत नहीं करता आ रहा हूं जैसे बाकी पुरानी सियासदान है मगर कम अरसे में मैंने सुबह सिंध में जहाँ मेरा ज़िम्मेदारी था वहां हर डिस्ट्रिक्ट में हमने मुफ्त इलाज का अदारा कायम किया है एक चाह वो हमारा शहर कराची से लेके खैरपुर डिस्ट्रिक्ट गंबत तक ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जहाँ मुफ्त दिल का इलाज हो जहाँ मुफ्त किडनी और लिवर का इलाज हो और इन शाह हम पंजाब का हर जिला में इस किस्म के इदारे बनाएंगे और यहाँ तो बहुत जरूरी है यहाँ तो बहुत जरूरी है इसलिए यहाँ के जो सियासतदान जब वो बीमार होते हैं वो तो लंदन पहुँच जाते हैं बेचारे तीन तीन दफा वजी अजम बने आपके लिए क्या अपने लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका तो उनको फिक्र नहीं करना चाहिए इस दफा पंजाब के अवाम तीर पे थप्पा लगाएंगे तो पीपी -पी का हुकूमत बनेगा और मैं उनके लिए मैं उनके लिए पहले आपके हाथ यहां सरगोदा में फिर उनके लिए रायवंड में मैं दिल का इलाज के हॉस्पिटल बनाऊंगा तालीम तालीम के लिए हम अपने बड़े बड़े शहरों में वैसे मैंने यहां देखा माशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर में भी दूसरे भी तालीमी इदारे मौजूद हैं, मगर आम तौर पे हमारे लोग बड़े बड़े शहरों पे जाना पड़ते हैं तालीम हासिल करने के लिए और हुकूमत भी वो नहीं बड़े बड़े शहरों पे फोकस करते हमारा इरादा है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बने हुकूमत की तरफ से ये कम अज़ कम कैंपस बने यूनिवर्सिटी हुकूमत की तरफ से ताकि वो बच्चे उनको बहुत महंगा पड़ गया है ट्रैवल ना करना पड़े किसी और शहर में रिहाइश का बंदोबस्त ना करना पड़े और उनके घर के बाहर ही हम तालीमी इदारे बनाएं और वो अपने ज़िला में अपना डिस्ट्रिक्ट में आ, तालीम हासिल करें ये ये मेरा दस नुकाती एजेंडा है यह मेरा अवामी मुआशी मुआदा है और ये ऐसे वादे नहीं है जैसे ये पुराने सियासतदान करते आते हैं ये वो वादे हैं जैसे कायद अवाम शहीद सुल्फिकार अली भुट्टो ने जब आपसे वादा किया तो अपने वादे पे लमर दरामद करता था ये वैसे वादे हैं जैसे जब शहीद मोहतरमा बेनजीर नजीर भुट्टो आपसे वादा करती थी तो वो वादा पूरा करती थी इन ताला आप हमें मौका देंगे तो हम इन तमाम वादे पे अमल दरामद करके महंगाई का मुकाबला करेंगे गुर्बत का मुकाबला करेंगे और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे भाइयों और बहनों आपने तो आपने तो आमिर ज़िया का दौर देखा है आपने मिया साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था जो किसी आमरीत का दौर से काम नहीं था वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है आपने मुशरफ का दौर भी देखा है आपने ख़ान साहब की दौर भी देखा है अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला करना है क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है जो जाती या और ज़ाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है क्या आप यही लड़ाइया चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पे से रहेंगे क्या यह हमारा किस्मत में लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को देखना है अंग्रेजी में एक कहावत है कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। तो मतलब ये पागलपन का एक सबूत होता है कि आप वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले तो यही वजह है कि मैं मुल्क के कोने कोने जाके पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहा हूं मैं दाएं बाएं नहीं देख रहा हूं मैं आपकी तरफ देख रहा हूं मेरे सौ फीसद आप है आपके ऊपर है मैं मेरा एतमाद पाकिस्तान के अवाम पे है मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है तो मैं कहीं और देख नहीं सकता हूं मैं सिर्फ आप पे भरोसा कर रहा हूँ अपने साथियों जो इलेक्शन लड़ रहे मेरे निशान पे उन पे भरोसा कर रहा हूँ और हमारा हमारा सिर्फ जमहूरी रवैया है इन शाह हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है ये जो इनके इंतकाम की सियासत है इसको दफन करेंगे शहीद मोहतरमा बेनजी नजीर भुट्टो जब वजी आजम बनी तो उसकी वालद वाल को शहीद किया गया तख्तेदार में लटकाया गया जो इंसानों का समंदर ने शहीद मोहतरमा बे नजीर भुट्टो को लाहौर में नाइनटीन एटी सिक्स में इस्ते थी अगर शहीद बीबी कहती कि भाई और बहनों मेरा इंतकाम लो जाए सदर हाउस पहुंचे और उस आमर का सर मुझे चाहिए तो पाकिस्तान के अवाम वो काम करके दिखाते अगर बीबी शहीद चाहती तो जब वो वजी आजम बनती तो वो कहती कि ये तमाम सियासतान मेरे वालद के कातिल के साथ थे उनको तो भी तख्तेदार पर लटका दो मगर शहीद मौतरमा बैनर्जी भुट्टो ने क्या किया शहीद बीबी ने कहा कि जमहूरीत हमारी इंतकाम है और दिन रात आपकी हिम्मत के लिए कोशात थी जब हमने हुकूमत बनाया जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना शहीद मोहतरमा बेनजी भुट्टो को शहीद किया गया अब किसी को इस किसी पे किसी पर नैप केस बनता है तो वो इदारों पर हमला करते हैं शहीद मोहतरमा बैनर भुट्टो को शहीद की गई और सदर जरदारी ने क्या कहा अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा ये वही शख्स है जिसने मेरा जबान काटा मुझ पर तशद किया इन पे तशद करो इनको भी जेल में डालो मगर अगर वो करता मुल्क का नुकसान होता आपका नुकसान होता अवाम का नुकसान होता तो सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ है जो इस जमात के साथ मेरे खानदान के साथ मेरे कारकुनों के साथ मेरा दुआ है कि इस मुल्क में किसी और सियासी कारकुन के साथ ऐसा जुल्म ना हो किसी और सियासी जमात का ऐसा के साथ ऐसे जुल्म ना हो और इन शाह आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएंगे तो मैं वैसे ही वैसी चलाऊंगा जैसे शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो चलाती थी जैसे सदर सरदानी ने चलाया मेरे लिए हराम होगा मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ कि मैं अपने मुखालिफ की बेटियों को अपने मुखालिफ के बहनों को जेल में डालूं। आप मेरे साथ दो इस मुल्क की किस्मत तब्दील करो आप मेरे साथ दो पाकिस्तान को अब जो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में दाखिल हुआ है हमें इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है हमने इस मुल्क को एक मॉडर्न तरीन मुल्क बनाना है हमने इस मुल्क को ऐसे बनाना है कि जहां मेरे नौजवान पाकिस्तानी जाए उनको ये फखिर से कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और सब दुनिया को पता चले कि ये वो मुल्क है जो अपने किसानों का ख्याल रखता है ये वो मुल्क है जो अपने मजदूरों का ख्याल रखता है ये वो मुल्क है जो टॉमिकवत है मगर अपने गरीबों का ख्याल रखता है यह मेरा ख्वाब है आपने मिलकर मेरे साथ मेहनत करना है जिस जाहद करना है ताकि हम कायद अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीब भुट्टो के नामुकमल मिशन को मुकमल करें आपने मेहनत करना है आपने इस सूबे के इस, इस पंजाब के अवाम को बताना है कि इस बार चुनो एक नई सोच को इस बार चुनो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर को हमें चार नहीं एक मौका दे ताला हम इस मुल्क में आवा, 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 पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुआशी इनकलाब लेकर आएंगे हम ताला एक ऐसा हुकूमत बनाएंगे जिसका काम आपकी खिदमत पे हमारा जोर होगा ये जो सियासी इंतकाम है ये जो झाती दुश्मनी है बाकी सियासतदानों को यह खेलने दे हम इनशा ताला, ताला आपकी तमाम मिसाइल के लिए मेहनत करेंगे मैं आपसे दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आज आप यहां पहुंचे हैं जिस जोश और जज्बा के साथ अब आज यहां मौजूद है इसी तरीके से आपने आखिरी दो हफ्ते अब मेहनत करना है दिन रात मेहनत करना है घर घर पहुंचना है अपने पूरे खानदान से भी वोट करवाना है और ढूंढने ढूंढने वो लोग जो पहले तीर को वोट नहीं दे रहे थे जो पहले सोच रहे थे कि वो किसी और को वोट दे उनको समझाए कि वो जाया ना करें अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है अब मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे आवाम का पीपल्स पार्टी शहीद महतरमा बेनजी भुट्टो की पीपल्स पार्टी और जियामरूम का मुस्लिम लीग है आपने फैसला करना है कि इस ल्क का हुक्मरानी कौन करेगा अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो तो मेरा भाई नदीम अफजल चंद को आपने नेशनल आपनेबली में पहुंचाना है ये आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है भाइयों आप जरूर उनको नेशनल असेंबली में आप पहुंचाए जायद इकबाल साहब को पीपी -पी से, सेवेंटी टू से सुर से राव अब्दुल गफार साहब को पीपी -पी सेवेंटी थ्री से सरगोडा थ्री से मोहम्मद अवेस राजा साहब को आपने जरूर आपने जरूर इनको मुंतख करवाना है कहा गुम हो गया मेरा लिस्ट पीपी सेवेंटी फोर इलियास महमूद को आपने मुंतब करवाना है एन एटी फोर से मेरा तहसीब कुरेशी साहब है मेरे लिए बहुत जरूरी है सरगोदा वालों तीन पे मोड़ लगा के तसनीफ साहब को पहुंचाए नेशनल असेंबली में पी पी फाइव से चौधरी जावेद अंबर साहब है कंबो साहब है पी पी सिक्स से मेयर मोहम्मद यालक साहब है फोर से तारिक महमूद गुजर पी पी सेवन से अब्दुल लतीफ सिंधु साहब है पीपी सेवेंटी एट से हसन रजा भट्टी साहब है एन एटी सिक्स से राना राना मोहम्मद जमशेद खान साहब है पीपी सेवेंटी -पी एट से सियालवी साहब है सरगोदा टेन से पीपी एटी -पी से मोहम्मद अली रजा साहब है एन एटी सेवन खुशाब वन से मोहम्मद अली सनवाल अवान साहब है पी एटी वन से अजहर अली अवान साहब है ख़शाब थ्री से पीपी पी एटी थ्री से चौधरी अली अकबर साहब है मियाँ वाली का इधर कहेंगे चले मियाँ वाली का भी मैं इधर ही से कर, कर देता हूँ एन नाइन से नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब है मियाँ वाली वन से उससे हमारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि करवा मियाँ वाली टू पे राना अजीज़ुर रहमान साहब है भक्कर से इजाज़ अली खान शाहानी साहब है और भकर टू से दोनों इजा... से इजाज़ अली खान शाहानी साहब है आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगवा के मेरे उम्मीदवारों को जितवाना है आपके उम्मीदवारों को जितवाना है इंशाल्लाह शाह इंशाल्लाह शाह ये जो चौथी बार शेर को बिठाने वाली बात है इस साजिश को मैं और आप रोकेंगे इस तीर से हम शेर का शिकार करके हुकूमत अगर बनना है तो ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे ये शेर वाले कायदे में अख्तलाफ होंगे ए भट्टो